समझते हैं क्या होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसको शॉर्ट में बोलते हैं यूनेप, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी वो इन्फॉर्मेशन जो जरूरी होगी वो हम शेयर करने वाले हैं। तो पहली जरूरी बात कि इसे कब स्टैब्लिश किया गया, ठीक है ना। सो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972, 1972 में स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है ना। ये रिजल्ट है किसका, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी कि ह्यूमन इन्वायरमेंट पर, मानव पर्यावरण पर एक कॉन्फ्रेंस होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है ना, स्वीडन में होती है, स्वीडन के एक शहर स्टॉकहोम में होती है 1972 में। वहीं पर हमारे सामने आता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है वो ये कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर है केन्या में, ठीक है ना, केन्या के एक शहर नैरोबी में है। चूंकि अफ्रीका में बहुत ही कम हेडक्वार्टर है इसलिए इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना, कन्फ्यूज कर सकता है, लेकिन याद रखना है आपको कि यूनिप का हेडक्वार्टर अफ्रीका में है। इसका मेन टास्क क्या है, ठीक है ना, इट्स मैंडेट इज टू कोऑर्डिनेट द इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। देखो यूनाइटेड नेशन बहुत सारे काम करता है, ठीक है ना, उसी में एक काम है, अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी जो काम होता है, ठीक है ना, उसको कोऑर्डिनेट करने का काम किसके पास में है, यूनेप के पास में है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ पर यूनेप लिखा है लेकिन यहाँ पर आपको यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वैसे आप कह सकते हो यूएनईपी, ऐसा कैसे है वो जरा समझ लो। देखो पहले इसका नाम क्या था, यूनेप ही था, लेकिन 2019 में पहले इसका ऑफिशियल नेम यूनेप बोला जाता था, ठीक है ना। तो सोचते थे लोगों के मन में, सोचा कि और बेहतर तरीके से इसकी एक इमेज बननी चाहिए, तो इसका जो ऑफिशियल नेम कर दिया गया है 2019 में, जनरल असेंबली नहीं किया था, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा नहीं किया था, यूनेप को बोला जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्योंकि अब जब हर जगह क्या लिखा होगा, यूनाइटेड यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो कम से कम उनको लोगों को एक वो एक इमेज बनेगी ना लोगों के मन में कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी कुछ काम देखता है। और यहाँ शॉर्ट में कुछ समझ ही नहीं आता था ये है क्या, तो अब इसका ऑफिशियल नेम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अगर आपसे कहा जाए इसके कुछ काम बताओ कि इसके अचीवमेंट्स कुछ हैं भी या नहीं है, तो बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी आप तीन लिख सकते हैं। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो आप पढ़े ही होंगे, कम से कम उसके कंक्लूजन तो पढ़े ही होंगे, तो इसका एक तो ये है, ठीक है ना। दूसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इस पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है ना, उसे आप फॉलो कर लें, ठीक है ना। उसको जो प्रमोट करने का काम किसका है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का है। साथ में फंडिंग से रिलेटेड कोई समस्या अगर सामने खड़ी आती है तो डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF, इस पर मैं वीडियो, नेक्स्ट वीडियो इसी पर होगा, ठीक है ना। तो GEF इसी का ही एक क्या है, अचीवमेंट है। तो तीन आप लिख सकते हैं, IPCC, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड GEF। अब बात आती है उन रिपोर्ट्स की। अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी रिपोर्ट कौन पब्लिश कर रहा है, साथ में रैंक है। अगर UPSC यानी IAS जैसा आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना, तो सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रिपोर्ट कौन पब्लिश कर रहा है। लेकिन अगर आप छोटे एग्जाम्स दे रहे हैं तो वहां पर उनकी रैंक भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो रैंक हमारा करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं रिपोर्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहली रिपोर्ट ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक GEO, तो क्या बताता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट यानी कि पूरी पृथ्वी पर जो इन्वायरमेंट की क्या कंडीशन है ये चीज बताती है, ठीक है ना, कौन कौन से ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं, कौन कौन से चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। एमिशन गैप रिपोर्ट, ठीक है ना, पेरिस एग्रीमेंट में आपने अगर सुना होगा कि एक टारगेट है, ठीक है ना, कि हमें इस टारगेट पे ग्लोबल वार्मिंग को रोक देना है, ठीक है। तो मान लो एक कंट्री बोलती है कि हम इतना एमिशन रोकेंगे, एमिशन बोले तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हम रोकेंगे, एक टारगेट सेट किया, ठीक है ना, मान लो ये है वो टारगेट। लेकिन क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए यानी पूरे ग्लोबल वार्मिंग को इस लेवल पर रोक देने के लिए टारगेट इतना और आगे होना चाहिए, तो यहाँ पर एक गैप नजर आ रहा है, ठीक है ना। इस गैप को ही बोलते हैं एमिशन गैप, यानी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए यहां तक टारगेट पूरा करना है लेकिन कंट्री यहां तक ही कर पा रही है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं एमिशन गैप रिपोर्ट। एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि तो कंट्री किस तरीके से खुद को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें क्या क्या गैप आ रहा है उसको बताता है एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये दोनों गैप वाली है ना, ये दोनों ही कौन पब्लिश करता है, यूनेप, ठीक है ना, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, तो ये भी यूनेप। आगे जो कंफ्यूजिंग वाली है वो समझ लो, ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक, ये क्या बताती है कि जो वर्ल्ड के जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनकी क्या कंडीशन है, उनकी अवेलेबिलिटी कैसी है, उनका यूज कैसे हो रहा है, वगैरह वगैरह, ये बताता है ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक।
फ्रंटियर रिपोर्ट क्या बताते हैं? फ्रंटियर रिपोर्ट ये बताती है कि इस वक्त पृथ्वी कौन कौन से इन्वायरमेंटल इशूज को फेस कर रही है और कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, कौन कौन से नए इनोवेशन हुए हैं किस क्षेत्र में, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, ये बताता है फ्रंटियर्स रिपोर्ट। आगे फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, नाम से समझ में आ रहा है, ये फूड वेस्ट के बारे में बताता है, ठीक है ना, कि ग्लोबल जो फूड वेस्ट है और साथ में उसको कैसे रोका जाए। ग्लोबल केमिकल्स आउटलुक, ये बताता है कि जो केमिकल्स हैं, ठीक है ना, वो इन्वायरमेंट की हेल्थ, इन्वायरमेंट पर और ह्यूमन हेल्थ पर किस तरीके से निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है ना, और जो पॉलिसीज हैं आज की जो दुनिया में वो कितना इस चीज़ को रोक पा रही है। तो कन्फ्यूजन जो इस पहले पेज में, इससे जो जस्ट प्रीवियस स्लाइड में जो रिपोर्ट थी उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, कन्फ्यूजन आपको यहाँ पर होगा। जैसे आप सोच ही नहीं सकते हो कि ग्लोबल केमिकल रिपोर्ट यूनेप रिलीज करता है, ठीक है ना, इसको आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये पता होगा कि इसमें ग्लोबल केमिकल रिपोर्ट्स आउटलुक में क्या बताया जाता है तो आप गेस कर सकते हैं। जैसे फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, अगर FAO ऑप्शन आ गया ना तो आप वही लगाकर चले आएंगे, ठीक है ना, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। वैसे ही फ्रंटियर रिपोर्ट, फ्रंटियर रिपोर्ट ऐसे आप गेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको पता होगा तो थोड़ा बहुत ऑप्शंस को, जो आपके दो तीन अल्टरनेटिव आ रहे होंगे ना ABCD में, उसको एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये वो रिपोर्ट्स हैं, मेजर रिपोर्ट्स हैं जो आपको बता दी, सारी की सारी मैंने बता दी, आप इतनी बस याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये हैं रिपोर्ट्स, कौन पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है।